आपका क्विक ब्रीफ प्रेजेंटेशन में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और व्याख्याकार एडिटर शर्मा। यहां हम क्वींस प्रोक्लामेशन की मुख्य धाराओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में क्वींस प्रोक्लामेशन की 13 बिंदुओं पर बात की गई है। आइए अब उनका निरीक्षण करते हैं। क्वींस प्रोक्लामेशन 1858, ब्रिटेन की महारानी की घोषणा 1858, भारत सरकार का कानून 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगस्त 1858 में पारित किया गया। भारत का शासन महारानी की घोषणा द्वारा भारत का राज अपने अधिकार में कर लिया गया। यह घोषणा 1858 कानून के एक प्रावधान को पूरा करने के लिए महारानी द्वारा जारी की गई। यह घोषणा नवंबर 1 नवंबर 1858 को की गई। उस दिन से भारत पर ब्रिटिश महारानी का राज्य शुरू हुआ। महारानी की घोषणा की शब्दावली महारानी विक्टोरिया के निरीक्षण में लिखाई गई थी। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में एकत्रित भारतीय राजाओं और जनता के समक्ष पढ़ा था। महारानी की घोषणा के मुख्य बिंदु एक एक कर आगे बताए जा रहे हैं। एक, ब्रिटिश महारानी ने संकल्प लिया कि भारत के भूखंड का प्रशासन वे अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है, जिसे तब तक उनके लिए वे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के कानून के अधीन चलाती आ रही थी। दो, महारानी ने भारत की प्रजा को आह्वान किया कि भारतीय प्रजा उनके शासन के प्रति वफादार रहेगी एवं उसकी उत्तराधिकारियों के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखेगी। तीन, ब्रिटिश महारानी ने विस्काउंट कैनिंग को भारत क्षेत्र का अपना पहला वायसराय नियुक्त किया, जो उनके लिए भारत पर गवर्नर जनरल की पदवी पर शासन करेगा। चार, महारानी ने ही इस इंडिया कंपनी के सभी अधिकारियों एवं सेना को अपने शासन की नौकरी में पक्का कर लिया। पांच, इंग्लैंड की महारानी भारतीय राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य की गई सभी संधियों एवं व्यवस्था को स्वीकार करना एवं उनकी शर्तों को पूर्ण रूप से निभाने का विश्वास दिलाया। छह, इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि भारत में क्षेत्र विस्तार की नीति को नहीं अपनाएगी। इसी के साथ ही भारत पर अपने अधिकारों को पूरी सुरक्षा करेगी और दूसरों के अधिकारों का भी हनन नहीं होने देगी। सात, इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि वह किसी भी तरह अपने धार्मिक विश्वास को भारतीयों पर कभी नहीं रोपेगी और ना ही थोपेगी। इसी के साथ वह भारतीय प्रजा की धार्मिक आस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आठ, इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि वह भारतीय राज्यों के समान गौरव एवं अधिकारों का पूर्ण आदर करेंगी एवं निभाएगी। नौ, भारतीय प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान एवं पूर्ण न्याय होगा। दस, भारतीय प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी नस्ल आस्था एवं विश्वास के भेदभाव से प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। ग्यारह, कानून के लेखन निर्माण एवं लागू करते समय भारतीय आस्था अधिकारों एवं रीतियों को ध्यान में रखा जाएगा। बारह, इंग्लैंड की महारानी ने 1857 की घटना पर खेद व्यक्त किया और उनमें भाग लेने वाली प्रजा को आम माफी की घोषणा की। 1857 की घटना में संलिप्त सभी अधिकारियों को क्षमा दी गई, परंतु जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की थी उन्हें इस क्षमा के घेरे से बाहर रखा गया। इस संबंध में लॉर्ड कैनिंग की नरम नीति का समर्थन किया गया। 13, अंत में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि उनका प्रशासन भारतीय उद्योग उन्नति एवं शांति के लिए कार्यरत रहेगा एवं प्रशासन सामान्य कल्याण एवं विकास की नीति अपनाएगा। हम यहां महारानी की घोषणा की 13 बिंदुओं का निरीक्षण समाप्त करते हैं। आपको दो बातें और बतानी है। आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, सब्सक्रिप्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं। इसके दूसरे वीडियो में इन 13 बिंदुओं पर आगे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यहां बताए गए 13 बिंदु हमारे ब्लॉग में उपलब्ध हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का URL प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आप पूरे लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप महारानी की घोषणा पर चर्चा का वीडियो भी अवश्य देखना चाहेंगे। धन्यवाद।